सो दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं अपने वीडियोज में कि हम अपने YouTube चैनल के नीचे दूसरा YouTube चैनल कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि जितने भी यूट्यूबर हैं सभी के पास कहीं न कहीं दो चैनल, तीन चैनल, चार चैनल, पता नहीं कितने चैनल हैं। तो वो अपने चैनल को कैसे ग्रो करते हैं, आप अपने चैनल को कैसे ग्रो करते हो, ये सब कुछ यहाँ पे समझेंगे। साथ समझेंगे कि इस प्रकार, जैसे कि आपको स्क्रीन शॉट भी दिख रहे होंगे, तो इस प्रकार से आपको एक चैनल के नीचे दूसरा चैनल, दूसरा तीसरा चैनल कैसे लगा सकते हैं। मेरे खुद के होम पेज पे आप देख पा रहे होंगे कि दो तीन चैनल तो रहते ही हैं, वो मेरे खुद के हो या ना हो लेकिन रहते हैं। सो वो आप कैसे कर सकते हो एंड इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका एक चैनल ग्रो हो रहा है, एक चैनल अच्छा मूव कर रहा है, तो उसके नीचे आप दूसरा चैनल ऐड करते हो, उससे क्या होगा कि उससे जो व्यूअर हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नए चैनल पे भी आ जाते हैं, दूसरे चैनल पे भी आ जाते हैं एंड आपको अच्छा खासा सब्सक्राइबर एंड व्यूज गेन होता है। ओके, सो आई होप कि आपकी पूरी डाउट क्लियर होगी यहां से, कि क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों को चिंता कि सर अपने चैनल के नीचे दूसरा चैनल को कैसे ऐड करें, कैसे करते हो आप, मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो, सबको सिखाऊंगा यार। चलो फिर इस वीडियो में, मेरा नाम इत है, आप देखो A1 टेक्निकल सॉल्यूशन। तो अब हम यहां पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंड जानेंगे कि कैसे इसे करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर में चैनल को ओपन करना है। सो मैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर में चैनल को ओपन कर चुका हूं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ही आपको अपने चैनल के नीचे दूसरा चैनल, तीसरा चैनल ऐड करने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। आप दोस्तों आपको स्क्रीन शॉट भी देखने को मिल रहा था ये, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो मैं अगर यहां से डिलीट मार दूं तो मार के भी सिखाऊंगा एंड ऐड करके भी सिखाऊंगा। अब करना क्या है आपको, यहां पे लोगो पे क्लिक करना है एंड आपको योर चैनल मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करो दोस्तों तो ऑलरेडी आप इसी पेज पे रहोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने खोल रखा है सब कुछ। ओके, अब आपको करना क्या है, कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है, जो कि यहां पे देखने को मिलेगा आपको क्रोम में। ओके, क्रोम में ध्यान रखना इस चीज को, क्रोम में ही हो पाएगा। तो कस्टमाइज चैनल पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ इंटरफेस ओपन होगा, जो कि कस्टमाइज चैनल ओपन होगा एंड यहाँ पे आप दोस्तों हो अभी ओपन हो रहा है, तो ओपन होते हैं। अब हमारा दोस्तों कस्टमाइज चैनल ओपन हो चुका है। कस्टमाइज चैनल में आपको यहीं पे, आपको कहीं नहीं जाना है, जो आपके सामने में ये ओपन होगा यही इंटरफेस पे आपको रहना है। रहने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, मैं इसे छोटा कर पाऊं नहीं कर पाऊं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं एरो लगा रहा हूं, ठीक है, एड सेक्शन, एड सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप एड सेक्शन पे क्लिक करोगे, ये दोस्तों आप एड सेक्शन मिल जाएगा, तो इस पे क्लिक करोगे एंड क्लिक करते ही आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जो कि मैं थोड़ा जूम करके आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा अपलोड। अगर आपके होम पेज पे अपलोड का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप इस पे क्लिक करें। पॉपुलर वीडियो आप होम पेज पे दिखाना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहते हो, लाइव दिखाना चाहते हो, या दोस्तों पोस्ट लाइव स्ट्रीम दिखाना चाहते हो, ये सब कुछ यहीं से दिखता है आपके होम पेज पे। तो ये सब कुछ आप पढ़ के यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि चैनल की बात करो सर, चैनल को कैसे हम ऐड करें। तो चैनल को ऐड करने के लिए यहां पे आप देखने को मिलेगा सबसे नीचे में फीचर्ड चैनल, ये दोस्तों फीचर्ड चैनल ये इंपोर्टेंट है, इसी से आपका चैनल ऐड होगा। तो आपको करना क्या है, फीचर्ड चैनल पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हो जाएगा, मैं छोटा कर दिया। एंड यहां पर आप दोस्तों हो कि सबसे पहले लिखा हुआ है सेक्शन टाइटल, मतलब यहां पर आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। तो टाइटल क्या लिखना है दोस्तों, जैसे कि आप लिखते हो माय सेकेंड चैनल, माय नेक्स्ट चैनल, या कुछ और भी लिखना चाहते हो टाइटल, जो कि आपको लिखा हुआ मिलेगा, या सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ इस प्रकार से अपने हिसाब से लिखना है, कोई जरूरत नहीं है। तो मान लो सेकेंड चैनल या माय सेकेंड चैनल आप लिखते हो, ऐसे करके लिख दिया हमने टाइटल, लिख दिया, मान लो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, एनी चैनल ऑन यूट्यूब, अगर आपको यूट्यूब पे कोई भी चैनल है, कोई भी चैनल है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं दोस्तों यहाँ पे सर्च करने वाला हूं माई जॉब पॉइंट, मैंने माई जॉब पॉइंट सर्च किया है एंड यहाँ पे एक चैनल आ रहा है माई जॉब पॉइंट करके, ये मेरे फ्रेंड का चैनल है। जी हाँ, ये मेरा फ्रेंड का चैनल है, जो कि दोस्तों मैं इस पे भी काम किया हूं एंड अभी मेरे फ्रेंड काम कर रहे हैं, तो उनका मान लो मैं चैनल ऐड करना चाहता हूं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। मान लो कि मुझे चैनल ऐड करने थे, मैं इस पे क्लिक करा, अब यहाँ पे दोस्तों माय जॉब पॉइंट आ चुका है यहाँ पे, ओके यहाँ पे आ चुका है। एंड इसके बाद आपको नीचे में देखने को मिलेगा डन का ऑप्शन, तो बस इतना ही करना है, डन कर दो यहाँ पे। चलो मैं कर लेता हूं फटाफट डन। डन जैसे ही करो यहाँ पे, ये डन हो जाएगा। डन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माई जॉब पॉइंट, ओके। सो मेरा चैनल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको पकड़ के आप इस पे आप प्रेस करोगे जब,
तो आपको ये मूव करने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। दोस्तों ये मूव अभी नहीं हो पा रहा है, तो आपको मूव करना है इसे पकड़ कर आप इसे ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ ला लोगे। तो अभी मुझे वीडियो शूट करना है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसे अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर सकते हो, आप करना इसे ट्राई करना, और नहीं होगा तो फिर बताना, मैं करके फिर बताऊंगा कैसे करना है इसको। तो इसे ऐसे मूव करके यहाँ पे लगा लेना है, ओके, जैसे मैंने लगा रखा है। या तो फिर क्या करोगे आप कि पहले इसका काम कर लोगे एंड इस सबको जितने हैं थ्री डॉट पे क्लिक करके इन्हें रिमूव कर दोगे, ऐसे रिमूव पे क्लिक किया रिमूव हो गया, इसे रिमूव पे क्लिक किया, एक मिनट मैं करता हूँ, इसे रिमूव पे क्लिक किया रिमूव हो गया, इसे रिमूव पे क्लिक किया रिमूव हो गया, इसे रिमूव पे क्लिक किया रिमूव हो गया। अब ये यहाँ पे आ चुका है। अगर मान लो इसको और ऊपर भेजना है तो और ऊपर लगा रिमूव करेंगे और फिर से आपको एड सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड लगाना है, इसके बाद फिर से आपको क्लिक करना है पॉपुलर वीडियो लगाना है, इसके बाद फिर से करना है शॉर्ट वीडियो लगाना है, इसके बाद फिर से लगाना है आपको प्लेलिस्ट यूज करना है, जो कि दोस्तों प्लेलिस्ट में यूज करता हूं, तो सिंगल प्लेलिस्ट में यूज कर रहा हूं। ओके, सो सिंगल प्लेलिस्ट में यहाँ पे मैं ओबीएस को यूज करता हूं क्योंकि अच्छा चल रहा है। ओके, सो अच्छा चलता है उसे। अब यहाँ पे देखते हो कि ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि ऑलरेडी हमने आपको बताया, इसको ऐसे स्क्रॉल पर भी आता है लेकिन हमने ला दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, पब्लिक करना है, यहाँ पे देखते हो पब्लिक, ओके, ये पब्लिक पे क्लिक करना है। ओके, सो चलिए पब्लिक पे क्लिक करते हैं फटाफट, क्योंकि पब्लिक पे क्लिक करेंगे तभी जाके ये सेव होगा। मैंने पब्लिक कर दिया दोस्तों, अब क्या करना है, व्यू चैनल पे क्लिक करता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आप देखते हो, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, इसके बाद ये आया है, तो अब आ चुका है ये, मैंने खुद का चैनल को रिमूव कर दिया इसके बाद, तो मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा ही दूं ताकि ये अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप चैनल को देख पा रहे हो, इसी प्रकार से आपको अब देखने को मिलेगा। तो ये चीज को आपको भी सेटिंग करना है, आई होप कि आप सेटिंग कर लोगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बताना, एंड आई होप कि आप इसे अपने चैनल को दूसरे चैनल पे लगा सकते हो, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है एंड काफी ज्यादा रीच आपको मिलेगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलेंगे नए। तो आप अपने बैकअप के तौर पे एक चैनल जरूर रखें एडवांस, मतलब कह तो सेकंड चैनल बनाकर रखें, जिससे आपको इन फ्यूचर कभी फर्स्ट चैनल पे दिक्कत हो तो सेकंड चैनल आपके जान बचा सके। जान बचाने का मतलब कि आपके पास रहे, आपको अर्निंग देता रहे, या सेकंड चैनल पे दिक्कत हो तो आपको फर्स्ट चैनल रहे। तो इस हिसाब से आप अपना बैकअप बना के रखें। आई होप कि आपको प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी, आप सीखे होंगे कुछ नया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत, टेक केयर एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।